दाऊदारी परमेश्वरों का करार। शाऊल इज़राइल का अगला राजा थिया, से लंबा और सुंदर थिया। जैसे कैसे जो लोग चाहती है एकदम तैसना ही इज़राइल पांदी अपने राजकरणों के शुरू के किच्छे सालों दा शाऊल एक अच्छा राजा थिया, पर बाद में से एक दुष्ट आदमी बोने गुआ जिन्हें परमेश्वर की बातों के ना मानी। इतकर ये परमेश्वर एक ओक आदमी चूना जो कि एक दूस तस्के ठाव पांदी राजा बुंदा थिया। परमेश्वर दाऊद नाव के एक जवान इसराइली मर्दों के चुने बा शाऊल के ठाव पांदी राजा होने का ये तैयार करना शुरू करा। दाऊद बेतलेम नगरों का बेड़ों का चोरैया थिया। एक भी दाऊदे सिंह और भालू दू के मारे दिए थिए, जितु के दाऊद के रखवाले कर दे भी तेसके बापू की बेड़ों पांदी तीनू हमला कर दाए थिया। दाऊद एक शरीफ और धर्मी आदमी थिया, तेने परमेश्वर पांदी भरोसा रखा और तेसकी बातों मानी। जबे की दाऊद इबी जवान मरोदी थिया, तेने लंबे चौड़े गोलियत के खिलाफ लड़ाई करे। गोलियत एक बेजाय बुढ़िया सैनिक थिया, से बेजाय मजबूत और लमसम 3 मीटर लंबा थिया, पर परमेश्वर गोलियत के मारनो और इसराइल के बचानो करिए दाऊद की मदद करे। इसके बाद दाऊद इसराइल के दुश्मनों पांदी कई बई जीत हासिल करे। दाऊद एक बड़ा सैनिक बोने गुआ और तेने बुरी से युद्ध मुंजी इसराइली सेना के अगुवाई करे। लोगे तेस के बजाय तारीफ करे और लोगे दाऊदारी इसे एक प्यार करा कि शाऊल तैसे शाह रिशांदा लगा। आखिरकार शाऊल तैसे के मारे देना चाहो थिया, इतकर ये दाऊद तैसियादा और तेसकी सैनिक वादा चुरीनो करिए जंगलों पुंडा दौड़े गुआ। एक दूस जोबे शाऊल और तेसके सैनिक दाऊद के ताको देती है तो शाऊल एक की उड़ारो पुंडा होटा। ऐजा सजय उड़ार थिया जित पुंडा दाऊद चोरे रुआ थिया, पर शाऊल तैसे के ना देखी। दाऊद शाऊल के पोछोड़ो बिल्कुल नेड़ी होटी गुआ और तैसी के घुटनों का एक पाला काट दिया। बाद में जब शाऊल तैसे उड़ारो परेशा निकला तो दाऊद तैसे धाव दे बा तैसे के घुटनों का पाला दिखो हुआ। ऐसे के शाऊल जाने पऊ कि दाऊद राजा बुनो करिए तैसे मारना ना चाहूं। कुछ दूस के बाद शाऊल युद्ध दा मोरे गुआ और दाऊद इसराइल का राजा बोने गुआ। से एक अच्छा राजा थिया और लोगे तैसी हरी प्यार रखा। परमेश्वर दाऊद के आशीष दे और तैसे के कामयाब करा। दाऊद कई युद्ध लड़े और परमेश्वर इसराइल के दुश्मनों के जितनों दे तैसकी मदद करे। दाऊद यरूशलेम नगर के जीते बा तितु अपने राजधानी बाने जीते से रोआ और राज करा। दाऊद 40 सालों तोड़ी राजा रोआ तो लोई इसराइल देश ताकतवर और अमीर देश बोने गो। दाऊद एक मंदिर बनना चाहो थिया जिते सबे इसराइल लोग परमेश्वर की आराधना कर सको और तैसे करिए बलिदान चढ़ाए सको। लमसम 400 सालों दो उंडे तीनों लोग मूसा के बाणी और मिलाप वाले तुम्बू दे परमेश्वर की आराधना कर लोए थे और तैसे करिए बलिदान चढ़ाए लोए थे। पर तीथे नाता नाव का एक परमेश्वर का बातों बताने वाला थिया। परमेश्वर तैसे के दाऊदों की ये जो बताना करिए छाड़ा तुम्हें बेजा युद्ध राय लड़े, इत करिए तू मुँह करिए ऐसी मंदिरों के ना बंदा, तेरा बेटा ऐसी मंदिरों के बंदा, तो बेबे हाँ उता के बुरी सी आशीषो देंदा, तेरा एक वंशज सौदा करिए मेरे लोगों पांदी राजा के रूप दा राज करदा। सौदा करिए राज करने वाला सजा दाऊद का एक ही वंशज मसीहा थिया। मसीह परमेश्वर का चुने होंदा आदमी थिया जो दुनिया के लोगों के तिनके पापों से बचांदा। जब दाऊद नातेनों का संदेश सुना तो तेने परमेश्वर का धन्यवाद करा और तेसकी बड़ाई करे। परमेश्वर तेसका रुतबा बढ़ाई लुआ थिया और तेसकी बुरी सी आशीषो दे लोई थी। बेशक दाऊद ने जानो थिया कि परमेश्वर इन बातों के कौलो करदा, पर इबी आमे जानू है कि इसराइल लोगों के एक लंबे समय तोड़ी लमसम 1000 सालों तोड़ी मसीह के आनों के ठोलनाई करने पड़ दे। दाऊद के सालों तोड़ी न्याय के साथे अपने लोगों पांदी राज कोरा, तेने बड़े सोचाई से परमेश्वर की बातों के मानी और परमेश्वर तैसे आशीष कोरा। भले ही अपने जीवन के आखिर दे तेने परमेश्वर के खिलाफ खतरनाक पाप कर राय थिया। एक दूस दाऊद अपने महलो पोरे शो बारे देखो और एक सुंदर बैट मनुष्यों के नंदे भी देखे से त्यो के नहीं जानो थिया, पर तेने पोता लाए पोआ कि तेरो नाव बैतशोबा सो। अपने सोच बदलने के बजाय दाऊदियों के अपने दौरे लियाणो करिए कोसी के छाड़े से त्यारे दौरे सुता और त्यों के पाछू गौरों के छाड़े दे। थोड़े दूसों के बाद बैतशोबा जो बोले बा दाऊद के ब्यौरा दिया कि
कि मेरे हुल क्यों होसो। बैतशोबा का गौरव वाला उरिया नाव का एक आदमी थिया, से दाऊद के बुढ़िया सैनिक को मुंजीदा एक थिया। इबी से युद्ध करनो करिए बारे होटे रुआ थिया। दाऊद उरिया के युद्ध परेशा पाचू बोई देबा तैसे के अपनी गौरवाली यारी रोनो करिए बोलो, पर ओके सैनिक लड़ाई दे थिए। इत करिए उरिया गौरव जानो के बाजे गुआ और दाऊद उरिया के पाछू युद्ध दा छाड़ दिया। और सेनापति के बोलो तैसे के युद्ध दा ऐसे ठाव पंदी रखनो करिए बोले जिथे दुश्मन सुबिदे ज्यादा शक्तिशाली हो ताकि सी मोरे जाऊं। तो ऐसे के हो कि उरिया लड़ाई दा मोरे गोआ। उरिया के लड़ाई दे मोरे जानो के बाद दाऊद बैतशोबारी दादड़ा बाने पुआ। बाद में तिये दाऊद के बेटे के जन्म दिया। दाऊद जू कोरो तितले परमेश्वर बजाय गुस्से थिया। इत करिए तेने नातान जो परमेश्वर की बातों बताने वाला थिया तैसे के तैस के दौरे ये जो बताने के छाड़ा कि तैस का पाप कितना बुरा थिया। दाऊद अपने पापों का पश्चाताप कोरा और परमेश्वर तैसे के माफ कर दिया। अपने बच्चे होंदे जीवन दे अपने मुश्किल समय दे बे दाऊद परमेश्वर के पछड़ियो पछड़ियो चाला और तिसकी बातों मानी। पर दाऊद कुनाडिया मोरे गो ऐसे के परमेश्वर दाऊद के सोजा दे। इतके अलावा दाऊदों के मरनो तोड़ी तेस के अपने कुड़बे के किछे लोगे तेस के खिलाफ लड़ाई करे और दाऊद के अपने शक्ति कम हो गए थे, पर परमेश्वर विश्वास लायक थिया और अबे बे तेने सोजो कोरो जो तेने दाऊद से कोनो का वादा करे रहा थिया कि से कर दाए। भले ही दाऊद तेस की आज्ञा न मानी, बाद में दाऊद और बैतशोबा के ओके औलाद पैदा होए और तीनुए तिसको नाव सुलेमान रखो। पहला शमूएल अध्याय 10 और अध्याय 15 से 19 और अध्याय 24 और अध्याय 31 और दूसरा शमूएल अध्याय 5 और अध्याय 7 और अध्याय 11 से 12 पर से बाइबल की एक कहानी।